शिवसेना पार्टी निशांत तीर कमान छिन जाने से उद्धव गुट ने खोला मोर्चा। पीएम और चुनाव आयोग पर बरसे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा, गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। शिवसेना का चिन्ह छिन जाने पर भड़का उद्धव गुट। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा किया। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जबरदस्त हंगामा किया और चुनाव चिन्ह छिने जाने पर एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीआई एमएल के मंच से 2024 के बड़े संकेत, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा कांग्रेस के फैसले का इंतजार। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा इस प्यार में पहले आई लव यू कौन बोलेगा, ये देखने वाली बात है। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, हम लोग तैयार हैं, फैसला कांग्रेस करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा जो 17 साल में विकास नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। नीतीश कभी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एलजी पर बड़ा हमला, कहा सच्चाई छिपाने के लिए एलजी ने षड्यंत्र रचा, एलजी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। केजरीवाल ने मेयर चुनावों को लेकर कहा जल्द ही दिल्ली में मेयर के चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता को मिलेगा नया मेयर। सीबीआई ने फिर भेजा मनीष सिसोदिया को नोटिस, कल फिर होगी पूछताछ। सीबीआई ईडी कल सिसोदिया से पूछताछ करेंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी, कहा मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एलजी हाउस के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने झंडे और पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एलजी के इस्तीफे की मांग की। 3 बार टल चुके दिल्ली मेयर चुनाव पर एलजी ने लगाई मुहर, दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव। केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जिस पर अब एलजी ने अपनी मुहर लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर, पुणे पहुंचे अमित शाह ने शहीदों के बच्चों के साथ संवाद किया। जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों के बच्चों के साथ अमित शाह का संवाद हुआ। कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर वार। महबूबा ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा बीजेपी ने धारा 370 पर गलत कदम उठाया। 370 बहुत गंभीर मसला है, लोग अपनी शिकायत लेकर अदालत जाते थे, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर कहां जाएं। भरतपुर के रहने वाले 2 लोगों को अपहरण कर जीप में जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम रिंकू सैनी है, वही वह हरियाणा में फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है। पुलिस बाकी आरोपियों के ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया 15 फरवरी को शिकायत दर्ज हुई थी। घाटमीका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर उन्हें गाड़ी में जिंदा जला दिया था। जुनैद नासिर हत्याकांड की गरमाहट के बीच आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। ओवैसी ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसके बाद ओवैसी ने जुनैद नासिर के परिजनों से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा राजस्थान हरियाणा पुलिस ने हथियारों को छूट दे रखी है, बीजेपी गुंडों को बचा रही है। भिवानी कांड पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर वार। ओवैसी ने कहा आरोपियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, हरियाणा सरकार ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़े। ओवैसी ने यह भी कहा देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बली के निक्की यादव मर्डर केस का में पुलिस का एक्शन, 6 आरोपियों को कल रात कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 3 दिन रिमांड पर भेजा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। सामने आई निक्की साहिल की शादी की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हुई थी। क्राइम ब्रांच ने शादी के दस्तावेज कब्जे में लिए। पुलिस ने कहा साहिल निक्की के साथ शादी से नाखुश था। एनआईए का पीएफआई पर बड़ा एक्शन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने राजस्थान में 7 स्थानों पर तलाशी ली। PFI मामले में कोटा जिले में 3, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर में जबरदस्त तलाशी हुई है। महाशिवरात्रि पर देशभर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिक्षा शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए 52,000 लीटर तेल, रुई की 25 लाख बाती, 600 किलो कपूर और 4,000 माचिस मंगाई गई। अभी तक अयोध्या में 15.76 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया पहल के तहत सेना ने उत्तरी कश्मीर में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्रालपुरा और मिलियाल ब्लॉक से कुल चार टीमें खेली। सेना ने यहां कुपवाड़ा में अपनी तरह का पहला आयोजन किया था, जिसमें युवा लड़कियों ने बर्फीले मैदान पर क्रिकेट खेला, खेल के प्रति इस जुनून का प्रदर्शन किया। लड़कियों ने खेल में उत्साह के साथ भाग लिया। और साउथ अफ्रीका से भारत पहुंच चुके हैं 12 चीते। सभी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। हेलीकॉप्टर चिनूक से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में लाया गया। C-17 ग्लोब मास्टर विमान से साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे हैं 12 चीते। 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। छोड़े जाने के बाद कूनो पार्क में चीतों का कुनबा बढ़कर अब 20 हो चुका है।